हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज पल्लवी। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ मिर्च पकौड़ा की रेसिपी। पकौड़ा आर द परफेक्ट ग्रीन चिली फ्रिटर्स टू सर्व विद हॉट कप ऑफ टी। दिस मिर्च पकौड़ा आर मोस्ट एंजॉयबल बाय पीपल हु लाइक द हीट ऑफ ग्रीन चिलीज। इट्स क्विक, सिंपल एंड ईजी पकौड़ा रेसिपी एंड यू कैन गेट दैम इन मोस्ट ऑफ द इंडियन स्वीट शॉप्स। आई हैव मेड अ स्टफ ग्रीन चिलीज, यू कैन ऑल्सो मेक प्लेन। So here is the recipe। यहाँ पर मैंने हरी मिर्च ली है जिसे अच्छे से मैंने धुल के टॉल से साफ कर लिया है। उसके बाद मैंने लिए हैं कुछ उबले हुए आलू। यहाँ पर मैंने लिया है एक कप ग्राम फ्लोर यानी बेसन। उबले हुए आलू को हमने मैश कर लिया है। इसमें अब जाएगा आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, उसके बाद इसमें हम डालेंगे आधा चम्मच नमक, साथ ही इसमें हम डालेंगे एक चौथाई छोटे चम्मच काला नमक। नमक हम यहाँ दोनों डाल रहे हैं तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें। साथ ही इसमें जाएगा आधा चम्मच आमचूर पाउडर और इन सबको हम अच्छी तरह से इवनली मिक्स कर लेंगे। हियर यू कैन ऑल्सो यूज पनीर। अब हम इसका बैटर तैयार करेंगे। यहाँ पर मैंने बेसन लिया है, उसमें मैंने एक चौथाई छोटे चम्मच हल्दी पाउडर डाला है। उसके बाद इसमें मैंने आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाला है। यहाँ पर ये चाहे तो आप स्किप कर सकते हैं क्योंकि मिर्च ऑलरेडी थोड़ी सी कड़वी होगी। उसके बाद इसमें एक चौथाई छोटे चम्मच हम काला नमक डालेंगे और इन सबको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इसके बाद इसमें मैंने एक चुटकी अजवाइन डाली है। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके हम इसका बैटर तैयार कर लेंगे। ध्यान रहे हमें बैटर बहुत पतला नहीं बनाना है। बैटर को इतना थिक रखना है कि मिर्ची में वो अच्छी तरह से कोट हो जाए। अगर आपको अपने पकौड़े थोड़े और क्रिस्पी करने हैं तो यहाँ पर आप राइस फ्लोर भी साथ में ऐड कर सकते हैं। ग्रेजुअली ऐड वाटर टू फॉर्म अ थिक बैटर और हमारा बैटर रेडी है। अब यहाँ पर हम मिर्ची को लेंगे और उसकी एक साइड पे हम कट लगाएंगे। और जो हमने स्टफिंग तैयार करी है उसको हम अच्छे से भर देंगे इसमें। टेक केयर नॉट टू ब्रेक देम। इसी तरह से सारी मिर्ची को हम भर लेंगे। आपको अपने पकौड़े थोड़े और चटपटे बनाने हैं तो आप इसमें चाट मसाला भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने सरसों का तेल लिया है, आप चाहें तो रिफाइंड ऑयल भी यूज कर सकते हैं। Now we'll dip the mirchis in the batter and coat them properly. तेल को हमें हाई फ्लेम पे पहले गरम करना है, उसके बाद फ्लेम को एकदम कम कर दें वरना आपकी जो मिर्ची है वो बाहर से तो पक जाएगी लेकिन अंदर से कच्ची रह जाएगी, इसलिए हमें इसे लो फ्लेम पे ही फ्राई करना है।
Let the pakoras fry for 1 minute with the spatula. Flicker some oil over the pakora. Then add the pureed spatula. Turn the pakoras around and let them fry. After 1 minute, turn them back again. Keep the heat to medium. With the spatula, keep flipping the pakora upside down for 6 to 7 minutes or until the pakora become golden brown. Once pakora become golden brown, with the spatula, take them out from the oil and place them on the plate or paper towel so that excess oil is absorbed. गर्मा गर्म मिर्ची पकौड़ा बनके तैयार है. सर्व दिस हॉट पकौड़ा विद कोरिएंडर चटनी और टोमेटो केचप और विद अ कप ऑफ टी. सो इफ यू लाइक दिस रेसिपी देन प्लीज हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड आल्सो प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट ऑल द नोटिफिकेशन. टिल देन गुड बाय.